लास्ट टाइम हमने पाइथन में मॉड्यूल सीखे थे, अब आप देखिए मैं आपको एक और कोड यहाँ पे सिखाता हूँ। अगर हम इम्पोर्ट मैथ सुपीरियर की जगह ये लिख दें फ्रॉम मैथ सुपीरियर इम्पोर्ट सम, तो सिर्फ सम इम्पोर्ट हुआ है। अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये चलता है या एरर देता है। मैं इसको यहाँ से चला रहा हूँ, ये देखें एरर दे रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ हमने सम को इम्पोर्ट किया है, बाकी चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं किया। अब मैं दोबारा चला के देखता हूँ तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप सब लोग, ये अब ऐसे चलेगा, देख रहे हैं 12 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने लिखा फ्रॉम मैथ सुपीरियर इम्पोर्ट सम, सिर्फ सम को इम्पोर्ट किया है। अब अगर हमें बाकी चीज़ें भी इम्पोर्ट करनी है तो एक तरीका तो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, दूसरा आप देख लें। तो हम लिखेंगे फ्रॉम मैथ सुपीरियर इम्पोर्ट सम इम्पोर्ट सब, फ्रॉम मैथ सुपीरियर इम्पोर्ट डिव, फ्रॉम मैथ सुपीरियर इम्पोर्ट मल। अब आप कुछ भी कर सकते हैं प्रिंट के साथ सम और उसके अलावा सब, इसके अलावा मल, इसके अलावा डिव, तो ये चारों काम अब हो जाएंगे। एक दफ़ा दोबारा देख लें जहाँ से ये कॉल होके आ रहा है फ्रॉम मैथ सुपीरियर इम्पोर्ट सम, तो मैथ सुपीरियर के अंदर देखें ये फंक्शंस लिखे हुए जो आप लोगों को अभी मुश्किल आ रही थी, इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अब हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं पैकेजेस। पैकेज क्या होता है, जो जो जावा पढ़ी है या सी लैंग्वेज पढ़ी है वो इजीली समझ सकते हैं। आज हम पैकेज बनाना सीखेंगे। और हमने मैथ सुपीरियर का मॉड्यूल बनाया था, बेसिकली मैथ का पैकेज बनता है क्योंकि पैकेज के अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होंगे। मिसाल ले लें मैथ का पैकेज है ना, तो मैथ के पैकेज में क्या क्या मॉड्यूल होंगे, सम सब्ट्रैक्शन वगैरह का मॉड्यूल हो गया, रैंडम नंबर्स का मॉड्यूल हो सकता है, पूरा मैथमेटिक्स जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक पैकेज बनाना सिखाऊंगा, उसके अंदर फिर हम मॉड्यूल बनाएंगे। तो पैकेज बनाने के भी दो तरीके हैं, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाऊँगा। एक काम यह है कि आप डायरेक्ट्री बना लें, मिसाल के तौर पर मैं मैथ का पैकेज बना रहा हूँ, मैंने उसका नाम रख दिया मैथ पैक। तो ये मैंने दोबारा देख ले, मैंने राइट क्लिक करके न्यू में जाके डायरेक्टरी में गया था, पैकेज में नहीं गया। दोनों का फ़र्क बताता हूँ, बना मैं पैकेज ही रहा हूँ, तो पहले मैं डायरेक्टरी में जाऊँगा तो मैं लिखूँगा मैथ पैकेज, इसका नाम मैं पैक रख देता हूँ। अब आप देख रहे हैं मैथ पैक का नाम का जस्ट एक फोल्डर बना है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जाके एक नई फाइल बनानी है, पाइथन फाइल बना लें और उसका नाम आपने रखना है दो दफ़ा अंडरस्कोर इनिट, फिर दो दफ़ा अंडरस्कोर और एंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैकेज एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर इनिट डॉट पाई नाम की एक फ़ाइल ज़रूर होनी चाहिए। अभी पैकेज का हमने फ़ायदा देखा नहीं है। दूसरा तरीका पैकेज बनाने का, इससे भी आसान, वो ये है कि राइट क्लिक करके सीधा पैकेज में जाओ, ताकि आपको अंडरस्कोर इनिट डॉट पाई ख़ुद ना बनानी पड़े। तो अब हम देखते हैं, इसका नाम हम मैथ पैक ही रख देते हैं, ठीक है, सेम नाम नहीं रख सकते। अब आपने देखा कि इनिट डॉट पाई ख़ुद ही नहीं बन गई, चाहे इसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन बन गई, और मैथ पैक में हमें ये ख़ुद बनानी पड़ी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट क्लिक करके अगर आप न्यू में जाके डायरेक्टरी में जाएंगे तो आपको अंडरस्कोर इनिट डॉट पाई ख़ुद बनानी पड़ेगी, अगर पैकेज में जाएंगे तो ख़ुद बन जाएगा। ऐसा ही है ना। अब आगे चलते हैं, आप लोगों को आता है काम, जो हमने अभी मॉड्यूल बनाए हैं मैथ पैकी के अंदर हम मॉड्यूल बनाएंगे, उस मॉड्यूल का हम नाम रखते हैं क्या रखें इसका नाम, अभी मैंने आपको इवन ओड दिया था ना, चलें इवन ओड का मॉड्यूल बनाने लगे हम मैथ पैकी के पैकेज के अंदर। इधर इवन ओड, अब इधर देखो डेफ, इसका नाम हम कोई भी रख सकते हैं इवन ऑड, और इसके अंदर वैल्यू फ़िलहाल हम नहीं ले रहे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़, चूँकि एक डमी बना रहे हैं ना, या अभी सिर्फ प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट करा देते हैं यस आई एम इवन ऑड नंबर्स, ठीक है। अभी सिर्फ इसको चला के देखते हैं, ज़रा दोबारा देख लें, मैथ पैकी के अंदर इवन और डॉट पाई का एक मॉड्यूल है। अब इसको हमने कॉल कहाँ से करना है, जहाँ से मर्जी कॉल करें, हमारा फंक्शन बेसिकली ये है मेरा ख्याल है। अब इसको करें ख़त्म,
और इस सारी की जगह इम्पोर्ट करेंगे। अब ज़रा ये ट्रिकी है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इम्पोर्ट डॉट नहीं, इम्पोर्ट क्या करना है आपने, मैथ पैकी, क्या नाम रखा था, मैथ पैकी डॉट, इसके अंदर क्या है, मैथ पैकी डॉट इवेंट ऑड, इवेंट ऑड है ना, इवन ऑड, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये इम्पोर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नो मॉड्यूल नेम मैथ पैकी, देखो ज़रा ये यही नाम नहीं है। अच्छा ये गलत जगह पे बन गया मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ये है, इसका क्या नाम है, मॉड्यूल टेस्टिंग ना, ये देख लो ये गड़बड़ क्या है वो दोबारा देख लो, नहीं इधर ही है, सही है, इसको करना चाहिए, नहीं माई पैकेज के अंदर जाके बना दिया ना, गलत जगह बन गया, दोबारा देख लें, यहाँ पे जाओ न्यू में जाके पैकेज बनाओ, इसका नाम माई पैकेज रख देते हैं, ठीक है, अब याद रखना ज़रा, माई पैकेज रख दिया। अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कोई और नाम बताएं, न्यू पाइथन पैकेज में टेस्ट पैकेज, ये देखिए टेस्ट पैकेज में इनिट बन गया, इसके अंदर एक फ़ाइल बनानी है हमने, उसका नाम हमने रखना है, क्या नाम रखा था, अब इसका नाम मैथ ही रख देते हैं, ठीक है, मैथ का पैकेज है, इसके अंदर डेफ और इवन ऑड ब्रैकेट और ये, और इधर लिख दो प्रिंट आई एम इवन एंड ऑड, हो गया यहाँ तक, अब ठीक है, अब ये चलेगा, टेस्ट पैकेज है और हम कहाँ पे हैं, मॉड्यूल टेस्टिंग, और अब हम लिखेंगे इम्पोर्ट, क्या लिखेंगे, टेस्ट, देखे खुद ही आ गया, पहले नहीं आ रहा था, टेस्ट पैकेज डॉट, इसके अंदर क्या है, मैथी, तो ये देख लो मैथी आ गया, ठीक है, इम्पोर्ट हो गया, अब हम प्रिंट करा के देखते हैं, एक और काम करते हैं ना, फ्रॉम टेस्ट पैकेज डॉट मैथी इम्पोर्ट क्या करना है, इवन ऑड, ठीक है, मोहित को समझ आ रही है, इवन ऑड समझ आ गई, अब हम प्रिंट करेंगे इवन ऑड, अभी इसमें कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं चला के देखता हूँ, तो आई एम इवन ऑड लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब है कि पैकेज हमने पढ़ लिया और पैकेज के अंदर हमें मॉड्यूल भी चला के देख लिया, अब उसकी फंक्शनैलिटी लगानी है ना, तो यहाँ पर आके आपको इवन ऑड की सारी फंक्शनैलिटी लगानी है, अभी मोहित ने लगाई थी, इफ़ हम लिखेंगे इफ़, ऐसे ही लिखते हैं, कोई बात नहीं, इनपुट भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, 8% टू कॉलन ना, इफ़ लिखी है हमने, इफ़ स्टेटमेंट चल रही है, डबल इक्वल जीरो यहाँ नहीं आएगा, जैसे भी लगा चल जाएगा, प्रिंट दिस इज इवन नंबर, ऐसे ही है, तो अब इसको चला के देखें, दिस इज इवन नंबर, अब आप क्या कह रहे थे बिलाल, इनपुट लेनी चाहिए हमें, इनपुट लेनी चाहिए, मैथी में आए यहाँ पे, इनपुट अगर आप ले भी लेंगे तो क्या करेंगे, इसको नंबर भेजते हैं एक्स, मैं बताता हूँ, यहाँ से कोई वैल्यू भेजो, 9 भेज के देखते हैं, ये 9 वैल्यू यहाँ पे मैथी में जाएगी, एक्स में जाएगी, और एक्स को परसेंट टू इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर इक्वल टू ज़ीरो दिस इज़ इवन, और एल्स जो है वो एल्स रहने ही देते हैं, यहाँ पे एल्स आएगा, ऐसे ही आएगा, प्रिंट दिस इज ऑड नंबर, अब हमने 9 इनपुट किया ना, ज़रा देखो 9 है ना, तो क्या आना चाहिए, एल्स स्टेटमेंट में ना कोई इशू है, एल्स इस तरह नहीं लिखते शायद इसमें, सर आपने इवन ऑड में पैरामीटर की पास किया, उसको खाली कर दिया, एक्स पास किया ना, क्या उससे क्या होता है, इवन ऑड में आप कुछ भी ना पास करें, उसको रहने दो, दिस इज ऑड नंबर आ रहा ना लिखा हुआ, ठीक है, अब आप 10 लिखोगे तो लिखा हुआ आएगा दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड, दोनों ही आ जाएगा, उसकी वजह बाद में बताता हूँ, फिलहाल दिस इज़ इवन, आपने ऊपर वाले को देखना, ठीक है, प्रोग्राम तो चल गया ना,
अब इसी को मज़ीद आपने करना है कि यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके लिहाज से करना है। तो एल्स में मेरा ख़्याल है कि एल्स के बाद कॉलन तो नहीं आता इस तरह, यही वजह होगी ना। ये देखो अब ठीक है, अब बताओ क्या नंबर ऐड करूं। 111 देखो ज़रा सब लोग, दिस इज़ ऑड नंबर। अब बताओ 200 लिखूं, क्या रहा है, दिस इज़ इवन नंबर। तो हमने देखा कि पैकेज किस तरह से बनता है। पैकेज बनाने के मैंने आपको दो तरीके बताए, राइट क्लिक करके न्यू डायरेक्टरी में भी जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टरी के केस में आपको डबल अंडरस्कोर इनिट डॉट पाई ख़ुद बनानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप क्या करो, पाइथन पैकेज के अंदर चले जाओ। पैकेज के अंदर कई मॉड्यूल बन सकते हैं। अभी हमने पैकेज में एक मॉड्यूल बनाया, टेस्ट पैकेज में एक मॉड्यूल बनाया, आप इसके अंदर 50 मॉड्यूल बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और मॉड्यूल बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं एक नया मॉड्यूल, ठीक है। ये बन गया और इसके अंदर हम टेस्ट कर लेते हैं प्रिंट। अब आप लोगों ने बताना, मैं एक एरर जनरेट करने लगा हूँ, आप भी सब लोग ज़रा अलर्ट रहें। एक नया मॉड्यूल में मैंने क्या लिख दिया प्रिंट में, हेलो। अब आ जाओ वापस मॉड्यूल टेस्टिंग में, तो फ्रॉम टेस्ट पैकेज डॉट मैथी इम्पोर्ट इवन ऑड, और फ्रॉम टेस्ट पैकेज डॉट एक नया मॉड्यूल, इसके अंदर इम्पोर्ट कोई फंक्शन है, इसमें एक नया मॉड्यूल में होना चाहिए डेफ बिलाल, बिलाल के नाम का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो मॉड्यूल टेस्टिंग फ्रॉम नया मॉड्यूल इम्पोर्ट क्या होगा, बिलाल क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बिलाल लिख दूँ चलेगा, चलना चाहिए। क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो लिखा हुआ आएगा, क्या मसला है देखो ज़रा, डेफ बिलाल फ्रॉम टेस्ट पैकेज एक नया मॉड्यूल, एक नया मॉड्यूल के अंदर डेफ बिलाल, इसके आगे ब्रैकेट लगी हुई बिलाल के इधर जी, यही मसला था ना, बस यही मसला था और कोई इशू नहीं है। ये देखो ठीक है, तो ये हमारा पैकेज और पैकेज के अंदर हमने मॉड्यूल